नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सलेशन में। भाई मैं हूं सलेश और आज इस वीडियो में कोई अच्छे से सेल्फ डिफेंस नहीं है, बट दोस्तों आप पे लेगामेंट को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में आज मैं कुछ आपको वीडियोस में टिप्स दूंगा, जिसे आप करेंगे तो आप पे लेगामेंट्स लगातार मजबूत होते चले जाएंगे दोस्तों। और मैं जब चंडीगढ़ PGI में भर्ती था, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताए थे, जिसमें से कुछ मुझे पहले से ही आता था और कुछ मैंने वहाँ से सीखा। तो दोस्तों सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इंजर्ड हैं तो वो भी आप पे काम करेगा, अगर आप नॉर्मल हैं आप पे लिगामेंट्स कमज़ोर हैं तो भी वो आपके एक्सरसाइजेस वर्क करेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहली जो एक्सरसाइज है जो आपको फर्स्ट वीक में करना है वो कुछ इस तरीके से है। आपको दोस्तों चेयर के ऊपर या स्टूल के ऊपर बैठ जाना है। दोस्तों चेयर जो है वो कोशिश ये कीजिएगा कि इतनी हाइट पे हो जितना पैर आप यहाँ से फ्लैट हो सके। उसके बाद आपको क्या करना भाइयों, इस पैर को धीरे धीरे इस तरीके से, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है या आप इंजरी में हैं, तो दूसरे पैर का सपोर्ट लेकर के आपको इस तरीके से करना है, यूं इस तरीके से। दोस्तों अगर आप ठीक हैं, इंजरी नहीं है, आपको लिगामेंट्स मजबूत करने हैं, फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, आपको दोस्तों एकदम सिंपल सावधानी से बैठ जाना है एकदम सामने देखते हुए, और इस पैर को यहाँ से आगे की तरफ ऐसे उठाना है, यहाँ पे इसे होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए, फिर इसे यहाँ से ऐसे डाउन कर देना है। फिर आपको दोस्तों यही प्रक्रिया करनी है 1 मिनट के बाद, हर एक प्रैक्टिस में दोस्तों 1 मिनट का गैप कर दीजिएगा ताकि उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, फिर आपको चालू करना है, फिर यूं इस तरीके से दोस्तों इसमें होल्ड करना है 30 सेकंड तक का। अगर मैं हर बार आपको होल्ड करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूं कि आपको कितने टाइम पे इसे करना है। फिर दोस्तों 3 बार कर लेने के बाद आप इस पैर को ऐसे रखिएगा और इसको यूं इस तरीके से, इसके लिए आपको आगे आना होगा, आगे आने के बाद दोस्तों आपको पैर को ऐसे सीधा कर लेना है एकदम, और ये इस तरीके से आपको पैरों को मूवमेंट में लाना है, पंजे को हर बार दोस्तों आगे की तरफ खींचना है और ताकत के साथ खींचना है। एक होता है दोस्तों नॉर्मल खींचना, एक होता है ताकत के साथ खींचना, ये इस तरीके से टाइट करके खींचना है, फिर से डाउन छोड़ देना है, फिर टाइट करके खींचना है, फिर डाउन छोड़ देना है। तो ये टोटल ट्रेनिंग जो है आपको करनी है, इससे लिगामेंट्स आप पे बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे और प्रॉपर इसको करने का फायदा दोस्तों आपको 4 से 5 दिन के अंदर नजर आने लग जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, डॉक्टर की भी सलाह इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको इंजरी कुछ और हो, बीमारी कुछ और हो और आप एक्सरसाइज लिगामेंट कर रहे हो, ये भी सही नहीं है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, डॉक्टरी सलाह मस्ट है। तो दोस्तों अब आपको चेयर हटा देनी है, चेयर हटाने के बाद एक समतल जगह पर आ जाना जो बिल्कुल बराबर हो, लाइक बेड हो गया या जमीन फर्श पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हील में एक पिलो लगा लेना, नहीं तो कोई ऐसा कपड़ा लगा लेना जिसकी हाइट जो है 3 से 4 इंच हो। तो दोस्तों एक पतला सा पिलो या कपड़ा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पिलो को नीचे की तरफ फोर्स करना है, नीचे ऐसे प्रेस करना है, अपने हील से उसको दबाने की कोशिश करनी, जैसे आप हाथ को हील मानिए इसे ऐसे प्रेस करते हैं, उस तरीके से इसे ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये प्रक्रिया दोस्तों 30 सेकंड तक होल्ड करना है, इसको 30 सेकंड तक होल्ड करने बाद फिर 1 मिनट का आपको रिलीफ लेना है, 1 मिनट के रिलीफ के बाद फिर 30 सेकंड के लिए आपको उसी तरीके से करना है, उसको नीचे की तरफ फोर्स करना है, ये दोस्तों 3 बार आपको करना है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है दोस्तों वो आती है प्रेस करने के साथ साथ आपको पंजा अंदर की तरफ खींचना है। तो दोस्तों आप मेरा पंजा देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये पंजा जो है दोस्तों ये अभी एकदम नॉर्मल है, अगर मैं इसे ऐसे फोर्स कर रहा हूँ उसके बाद इसे अंदर की तरफ ऐसे खींचना है, यूं इस तरीके से। ये करने के बाद दोस्तों ये भी प्रक्रिया 30 सेकंड का और 1-1 मिनट के गैप पे होगी 3 बार। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा पैर मोड़ लेना है अंदर की तरफ, लाइक इस तरीके से, आपको अपने पंच पे या हाथ पे आ जाना है इस तरीके से, और पूरा वेट जो है दोस्तों हील के ऊपर ऐसे डाल देना है। याद रहे दोस्तों इसमें पैर जो है वो एकदम सीधा रखिएगा, इसको ऐसे उठा के ना रखिएगा, ये चीज़ गलत है दोस्तों, इसमें आपको ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रखना है नीचे इधर, जैसे ये टांग सीधी है इस तरीके से, इसमें ऐसे ये बैंड नहीं होना चाहिए। अभी दोस्तों इसमें क्या करना है, पैर को सीधा रखते हुए इस तरीके से इससे ऐसे फोर्स करते हुए हल्का हल्का इस पर प्रेशर डालना है इस तरीके से। ये प्रक्रिया भी दोस्तों आपको 3 बार करनी है,
और ये पूरी प्रैक्टिस जो है दोस्तों वो आप दिन भर में 3 से 4 बार करेंगे। ये दोस्तों एक टाइम की पूरी के बाद भाइयों आपको क्या करना है, पैरों को एकदम सीधा रखना है और यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे इसको इस तरीके से उठा करके यहाँ पे होल्ड करना है। याद रहे दोस्तों इसमें जो पैर है वो इस तरीके से ना उठे, घुटना नहीं उठाना है, इसको एकदम ऐसे सीधा रखना है इस तरीके से, फिर उठाना है। तो जो पैर आपका इंजर्ड है या इंजर्ड नहीं है तो दोनों पैरों को करना है 1x1 करके इस तरीके से, जैसे आप उठाएंगे और इसे यहाँ पे ऐसे होल्ड कर देंगे। ये प्रक्रिया दोस्तों 30 सेकंड चलेगी 3 से 4 बार है। हल्का सा कमर उठाना है और दोनों हील के ऊपर आपको फोर्स करना है इस तरीके से। मेरी कमर दोस्तों आप देख सकते हैं उठी हुई है, फिर ये डाउन कर लेंगे इस तरीके से। ये भी 30 सेकंड के लिए आपको करना है। तो दोस्तों ये थी वो एक्सरसाइजेस जिसे करने से आपके लिगामेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो कुछ एक्सरसाइजेस है वो भी फिजियोथेरेपी ने मुझे बताया था और कुछ एक्सरसाइज मुझे भी पहले से पता थी वो भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप करा सकते हैं, बेनिफिट जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार से लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।